नाज़रीन, यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा कीव से निकल पड़े हैं। जंग के बावजूद पाकिस्तानी शहरी जान खतरे में डालकर टर्नोपल का सफर कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी आरिफ महमूद से। आरिफ महमूद, बताइएगा कितने पाकिस्तानी तलबा हैं जो कीव से इस वक्त टर्नोपल की जानिब गामज़न हैं? देखें, गो के वहाँ बहुत से पाकिस्तानी हैं जो हमसे रबते में हैं, लेकिन अभी जो तलबा के एक वक्त ने रबता किया, उसने बताया कि वो इस जंग के बावजूद अपनी जान को खतरे में डाल के पाकिस्तानी सफारतखाने के अहकाम पर सफ़र कर रहे हैं। -10 डिग्री है और इसमें भी तलबा का सफ़र जो है वो जारी है, और उन्होंने पूरे कौम से दुआओं की अपील भी की है। जी, पूरी कौम से दुआओं की अपील की है। आरिफ महमूद, ये बताइएगा कि अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो कीव के अंदर पाकिस्तानी तलबा कितने हैं, कितने अभी तक इवैक्यूएट हो चुके हैं और कितनों को अभी इवैक्यूएट किया जाना बाकी है? देखें, हतमी तौर पर इनकी तादाद का तयन जो है वो अब तक नहीं किया जा सका, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी तलबा और पाकिस्तानी शहरियों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से जो इकदाम किए जाने थे वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तानी शहरी ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल के शिकार हैं। बहुत से शहरियों से हमारी बात हुई जो अपनी फैमिली के साथ किसी एक जगह पर फंसे हुए थे और सफारतखाना उनसे किसी किस्म का कोई रबता नहीं करा था। गुज़िश्ता रात भी हमारी बहुत से लोगों से बात हुई और उन्होंने जो वहाँ के हालात बताए उसके मुताबिक सूरत हाल इस कदर कशीदा है कि वो बच्चों के दूध और बुनियादी जरूरत की चीजें लेने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उसकी जानिब से, जो कम्युनिटी की जानिब से हमें बताया गया, उनके जानिब से बताया गया कि 12 फरवरी को आखिरी बार एक वीडियो अपलोड की गई थी सफारतखाने की जानिब से, जिसमें बताया गया था कि सूरत हाल कंट्रोल में है, तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और पाकिस्तानी जो है वो इत्मीनान के साथ यहाँ पर रहें, किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको निकाला जाएगा। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बताती है वहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं थे और इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल का शिकार पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी शहरी हैं। सही है। आरिफ महमूद, साथ ही मौजूद रहिएगा यूक्रेन में फंसे एक ऐसे ही तालिब इल्म की हमशीरा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सदफ़। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सदफ़, बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। सदफ़, क्या आपके भाई से आपका राबिता हुआ? उन्होंने बताया हो कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? पाकिस्तानी सिफारत खाने के तावुन के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुँची हो? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सदफ़ है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ और मैं आपकी करेक्शन कर दूँ, मेरा जो भाई है वो पिछले 12 साल से है वहाँ पे, वो रेजिडेंट है, वहाँ का स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, वो माशाल्लाह वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा था वहाँ पे, और कंडीशन 15 डेज़ बैक हमें जो नाइल खोकर हैं उन्होंने यही बताया था कि बिल्कुल स्टेबल हैं, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, बिल्कुल निगोसिएशन से मामला ठीक हो रहे हैं। लेकिन एट दी 11th डे बिफोर यस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग जो रशिया ने इन्वेट किया है विदाउट इन्फॉर्मिंग किया था। ठीक है, टिकट जो थी मेरी फैमिली की, मेरा भाई है, उसकी मिसेज है, 6 साल का बेटा है, ये तीनों, इनकी टिकट 5 मार्च की कंफर्म थी, लेकिन कल और जैसे ही एयरबेस क्लोज हुए तो उनकी टिकट वहीं से कैंसिल हो गई। ठीक है, एम्बेसी को मुसलसल कॉल करने के बाद, 15-20 टाइम्स कॉल करने के बाद भी हमने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे कॉल किया जो कि वज़ीर आज़म हाउस का नंबर है, वहाँ हमने किया, उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया, उनसे हमने सुनवाई करवाई, तो वहाँ उन्होंने फिर हमारी एम्बेसी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, एम्बेसी में जो मिस्टर जाहिद होते हैं, उसके बाद सिफारत खाने ने राबिता किया है। आपके भाई जो है वहाँ पर मुकीम है और वो कारोबार भी वहाँ पे करते हैं, पाकिस्तानी शहरी जो वहाँ पर हैं और तलबा जो हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, इस ज़मन में सिफारत खाना अपनी मदद आपके तहत उन्हें कीव से टर्नोपल पहुँचने के अहकाम जारी कर चुका है। बहुत शुक्रिया सदफ़ इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आरिफ महमूद, आप आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।